हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेफ नवीन। मैं आज बनाने वाला हूँ मुंबई महाराष्ट्र स्टाइल कांदा पोहा। ये सबसे पहले मैंने एक छन्नी ले ली है, इसमें मैं 200 ग्राम पोहा लूँगा। पोहा मैंने मीडियम साइज़ का यूज़ कर रहा हूँ और इसको अच्छे से धो लें। पोहा धोते समय एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है हमको, नहीं तो पोहा एकदम चिपचिपा हो जाएगा। पोहा के ऊपर से हमको पानी डालना है, उसको भिगा के नहीं छोड़ना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया सा तरीके से मैंने इसको धो लिया है। तो अब मैं इसको स्टैंड करने के लिए रख दूंगा क्योंकि इसका पानी निकलते रहे। तब तक स्टार्ट करते हैं इसका मसाला बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में मैं 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगा। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छे से गर्म होने दे दोस्तों। उसके बाद मैं इसमें डालूंगा राई, कड़ी पत्ता और आप चाहे तो हल्का सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। राई कड़ी पत्ता को अच्छे से तड़कने दे। इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूंगा क्योंकि मैंने 2 प्याज बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। और 2 से 3 हरी मिर्च, वो भी मैंने स्लाइस में काटे हुए हैं। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक हमको इसको फ्राई करना है, कुछ इस तरह से भूनना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा पीनट, मूंगफली, आप कच्चे मूंगफली भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें रोस्टेड पीनट ऐड कर रहा हूँ। इसको भी हमको 2 से 3 मिनट तक पकाना है दोस्तों, इसमें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बनता है पोहा। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार यूज करें। इसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगा और इसको भी अच्छे से मिला लूंगा। मैं इसमें ऐड करूंगा पोहा। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और सब अलग अलग हुए हैं, लम्स नहीं पड़े हैं हमारे पोहे में। इसका यही ट्रिक है, भिगाते समय ध्यान रखें। अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगा 1 चम्मच। आप चाहे तो चीनी नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें लेमन जूस डालूंगा। लेमन जूस डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूंगा और आप इस सबको अच्छे से मिला लें। आप भी जरूर ट्राई करें, घर पे आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, 10 से 12 मिनट में पोहा बन के रेडी हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैं अच्छे से मिला लिया है, चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है।
गरम गरम इसको सर्व करता हूँ। देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है एकदम। ये देखिए दोस्तों रेडी है कांदा पोहा मुंबई महाराष्ट्र स्टाइल।